यमुना मिशन यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मरुए के पौधे के विषय में। मरुआ को वन तुलसी या बबरी भी कहा जाता है। यह पौधा बागों में लगाया जाता है। इसकी पत्तियां बबरी की पत्तियों से कुछ बड़ी, नुकीली, मोटी, नरम और चिकनी होती हैं। इसकी पत्तियों में से उग्र गंध आती है। इसके दल देवताओं पर चढ़ाए जाते हैं। इसका पेड़ 1.5-2 हाथ ऊंचा होता है और इसकी फुनगी पर कार्तिक अगहन में तुलसी के भांति मंजरी निकलती है, जिसमें नन्हे नन्हे सफेद फूल लगते हैं। फूलों के झड़ जाने पर बीजों से भरे हुए छोटे छोटे बीज कोश निकल जाते हैं। ये बीज पानी में पड़ने पर ईसब गोल की तरह फूल जाते हैं। यह पौधा बीजों से उगता है, पर यदि इसकी कोमल टहनी या फुनगी लगाई जाए तो वह भी लग जाती है। रंग के भेद में ये दो प्रकार का होता है, काला और सफेद। काले मरुए का प्रयोग औषधि रूप में नहीं होता और केवल फूल आदि के साथ देवताओं पर चढ़ाने के काम में आता है। सफेद मरुआ औषधियों के गुणों से भरा हुआ होता है। वैदिक में यह चरपरा, कड़ुआ, रूखा और रुचिकर तथा तीखा, गर्म, हल्का, पित्तवर्धक, कफ और वात का नाशक, कृमि और कृष्ठ रोग नाशक माना गया है। बारिश के मौसम में घर के आसपास मच्छर और कई प्रकार के कीड़े भी ना चाहते हुए पनप जाते हैं और बीमारियां छोड़ जाते हैं। ऐसे में मरुए की गंध से मच्छर और जहरीले कीड़े आपसे दूर रहेंगे। इसकी तीव्र महक जितनी दूर तक फैलती है, उतनी ही दूर तक मच्छरों और जहरीले कीड़ों का बसेरा नहीं होता। साथ ही मरुए की पत्तियों की तेज तेलीय गंध के कारण सांप सहित जहरीले कीट भी घर की ओर प्रवेश नहीं कर सकते। इसके प्रयोग से कई औषधीय दवाइयां भी बनाई जाती हैं। सिरदर्द हो या टीबी का रोग, पेट दर्द हो या खूनी अतिसार या फिर मोच और सूजन, सभी में मरुआ अत्यंत लाभकारी है। मरुआ पंचांग यानी जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, इन सबको मिलाकर काढ़ा बनाकर 100 मिलीलीटर की मात्रा में दिन में 3 बार पीने से गठिया रोग में लाभ होता है। भूख न लगना और हृदय के रोगों के लिए भी ये काफी लाभकारी है। इसका प्रयोग बिच्छू का जहर उतारने के लिए, कफ, वात और पेट के कीड़े को नष्ट करने के लिए भी किया जाता है। मरुआ घाव भरने वाला, माहवारी लाने वाला, हृदय उत्तेजक तथा कटु और स्वादिष्ट होता है। यह प्रतिश्याम यानी जुखाम, अरुचि अर्थात खाना खाने का मन ना करना, श्वास, खांसी, बुखार, सूजन, त्वचा के रोग और वरण आदि रोगों को समाप्त करता है। पेट के दर्द में मरुआ के पत्ते और बीजों का 4 ग्राम चूर्ण सुबह शाम लेने से पेट दर्द में लाभ होता है। मरुआ और सफेद मंजरी के पत्तों का रस, सफेद हुरहुर के पत्तों के रस के साथ सुबह शाम पीने से पेट दर्द में लाभ होता है।